सो गाइस, आज का जो वीडियो काफी कमाल का वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ कि HDFC बैंक का वेलकम किट। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ किट के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिले अगर आपने ऑनलाइन या तो ऑफलाइन अपने कोई भी तरीके से अपने खाता ओपन करा बट आपको ये लग रहा है कि अपना वेलकम किट के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। तो गाइस, पूरा फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला, इस वेलकम किट के अंदर क्या क्या है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला। तो गाइस, ये वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट जरूर वॉच कीजिए कि इसमें ATM कार्ड मिलेगा, कि इसमें चेकबुक मिलेगा, इसमें पासबुक मिलेगा, कि ATM पिन मिलेगा, नेट बैंकिंग पिन, पूरा सारा का सारा A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बट आपको क्या करना है, सिंपल ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक की जो वेलकम किट, तो चलिए इससे मैं किट को बड़ा फुल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं इससे पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हो किट को मैं पहले से कट कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो ओपन करने में। तो देखिए, जैसे कि मैं किट को ऐसे ओपन कर लेता हूँ, जैसे किट को ओपन कर लेता हूँ आप देख सकते हो इस प्रकार से आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ऐप है जो है यहाँ पे चेकबुक देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आप देख सकते हो चेकबुक इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो चलिए सिंपल चेकबुक आप देख सकते हो ओनली 5 पेज का आपको चेकबुक देखने को मिल जाएगा, आप इस प्रकार से देख सकते हो। तो गाइस, ये जो चेकबुक है 5 पेज की चेकबुक रहता है। तो गाइस, अगर आपको चेकबुक ख़त्म हो जाता तो भी कोई बात नहीं, आप सिंपल दोबारा आप जो एप्लीकेशन की मदद से भी नया चेकबुक की भी ऑर्डर कर सकते हो। चल इसको रहने दो साइड में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐप पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा ऐप पे आपको डेट देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपका जो ऐप है कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसके अगर मैं ऐप नहीं दिखा रहा, आप लोग देख सकते हो ऐप पे, आपको ऐप पे कस्टमर आईडी नंबर वगैरह सब कुछ ऐप पे देखने को मिल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कस्टमर आईडी में हाइड करके रखा हूँ, तो आपका जो कस्टमर आईडी है आपको कस्टमर आईडी भी ऐप पे देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप जो है नेट बैंकिंग वगैरह ऑन कर सकते हो। चलिए इसको मैं कर देता हूँ साइड में। तो उसके बाद देख सकते हो ऐप पे मेरे सामने आप देख सकते हो पासबुक देखने को मिल रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हो आपका जो पासबुक इस प्रकार से आपको पासबुक पे पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसी मेरे पासबुक को भी यहाँ पे ओपन करके देखते हो कि इसमें प्रिंटेड है या नहीं है। तो चलिए इसी में देखिए, जैसे कि पासबुक मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, पासबुक ओपन करने के बाद आप देख सकते हो, चलिए मैं देख लेता हूँ प्रिंटेड है या नहीं है। चलिए सिंपल ऐप पे, तो गाइस आप देख सकते हो ये जो पासबुक है आप देख सकते हो प्रिंटेड नहीं है। सिंपल मुझे ब्रांच जाके फिर से दोबारा पे प्रिंट कर लेना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, यानी कि इसके साथ जो है पासबुक भी पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आपको जो है फिर से दोबारा पासबुक लेने के लिए बैंकों में नहीं जाना पड़ेगा, सिंपल आपको बैंकों में जाके एक बार प्रिंट कर लेना है। चलिए इसको रख देता हूँ साइड में। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो एक गाइड दिया गया, आप चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि सेविंग एंड सैलरी अकाउंट कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो, इसको भी रहने देता हूँ साइड में। तो गाइस, उसके बाद चले सिमिल और एक यहाँ पे देख सकते लिखा है मैनेज यूर HDFC बैंक डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मैनेज कैसे करना है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, चाहो तो आप ये भी देख सकते हो। चलो इसको भी रहने देता हूँ साइड में। चलो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ देख सकते हो HDFC बैंक के कुछ गाइड है, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो, कभी खाली टाइम मिला तो पढ़ लेना। चलिए इसको भी रहने देने वाला हूँ। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर से देख सकते हो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कुछ अभी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। चलिए इसको भी रहने देने वाला हूँ। उसके बाद चलिए सिंपल और एक देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को लेटर देखने को मिलेगा। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ना आप ज़रूर पढ़ लीजिए, इसमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया, यानी कि HDFC बैंकों के जो भी चार्जेस वगैरह है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसको ओपन करके आप लोगों को देखा दो, यानी कि आपका जो बैंकिंग सर्विस है, बैंकिंग सर्विस में जो भी चार्जेस वगैरह है सब कुछ, यानी कि बैंकिंग सर्विस A to Z कार्ड का कितना चार्ज है, यानी कि NFT मनी ट्रांसफर के कितना चार्जेस है, आप पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो इस प्रकार सब देख सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पूरा फुल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। अकाउंट यानी कि देख सकते हो अकाउंट काफ़ी टाइप का अकाउंट होता है, 10,000 मेंटेनेंस भी अकाउंट होता है, सैलरी भी अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस का भी अकाउंट हो जाता है, उसके बाद सिंपल सीनियर सिटीजन का भी अकाउंट बन जाता है। तो कौन से अकाउंट में कितना मैनेज करना है पैसा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इस गाइड के अंदर दिया गया, आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो। लाओ उसके बाद चले सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो HDFC बैंकों के अब देख सकते
डिटेल एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कवर की भी एक आपको यहाँ पे गाइड देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस कवर के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन दिया गया, आप चाहो तो इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वैसे आप देख सकते हैं पे कार्ड कवर इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, आप यहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हो क्योंकि उतना भी टाइम नहीं है। तो वैसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सब किट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल ऐप है, देख सकते हैं पे डेबिट कार्ड, यानी आप देख सकते हैं पे जो डेबिट कार्ड का पिन है, यहाँ पे डेबिट कार्ड का पिन भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पन्नी है इसको फाड़ना होता है, आपको यहाँ पे कट करना है। देख सकते हैं पे आप केवीसी से कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको दो भाग में आप कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको पिन देखने को मिलेगा, 4 डिजिट का पिन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस ये पिन को लेके आप पैसा को विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे देख सकते हैं आपको केवीसी से कट लगाना है तो आप हैंड से भी कट कर सकते हो। इसी के अंदर आपको पिन देखने को मिलेगा, डेबिट कार्ड के पिन। तो गाइस मुझे डेबिट कार्ड का पिन भी रिसीव हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बैंक में जाना नहीं पड़ेगा। चलिए और एक देख सकते हैं पे किट देखने को मिले, देख सकते नेट बैंकिंग पिन पासवर्ड, यानी कि नेट बैंकिंग जो पासवर्ड है ये भी मुझे मिल गया। तो गाइस मुझे बैंकों में जाना नहीं पड़ेगा, सारा का सारा काम मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। अब देख सकते हैं पे नेट बैंकिंग पिन भी मुझे रिसीव हो गया है। तो गाइस लास्ट है मुझे डेबिट कार्ड की बारी। तो गाइस चलिए मैं आपको बताऊँगा कि डेबिट कार्ड जो है इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। चलिए इस प्रकार से गाइड या फिर दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बैक करके आपको दिखा दो कि एक कार्ड को कैसे मैनेज करना है ये भी आप देख सकते हो, पिन वगैरह कैसे सेट करना है, पूरा फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से देख सकते हो। क्या दिखा दूंगा कार्ड को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए पे कार्ड को देख सकते हो, कार्ड को मैं ऐसे ओपन कर लिया हूँ। चलिए सिंपल यहाँ पे कुछ अलर्ट है। चलिए इसके साथ मैं पे कार्ड का पूरा फुल डिटेल आपको व्यू भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार से कार्ड देखने को मिलेगा। वेलकम किट के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलने वाला है, तो आपको सारा का सारा चीज़ मैं आपको इस प्रकार से दिखा दिया हूँ। आई होप कि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसके लिए इतना ही, फिर लोगों के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छा रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।